सिरोही में सारणेश्वर मानव सेवा संस्थान पर काले बादल मंडरा रहे हैं। यह संस्थान पिछले कई सालों से जिला अस्पताल में निशुल्क भोजन वितरण कराती है। वहीं कोरोना संक्रमण के दौर में लगे लॉकडाउन के बाद यह संस्थान बंद होने की कगार पर है। संस्थान में जिले में भामाशाहों के सहयोग करने पर यह संस्थान कई सालों से संचालित थी, लेकिन अब इस संस्थान को भामाशाहों का सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे यह बंद होने की कगार पर है। नितो डर दी अटे वो फ्री खानु मले केरू है खानु हाउ से मतलब कितना टाइम दिया खानु तीन टाइम दिए सुबह दली ने दूध ने दली दिए ने दोपहर का रोटी पासा रात का रोटी। अच्छा थोड़ा नाम का है जो जो अभी ये वो हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में इनकी तो जो भी महिला है डिलीवरी के लिए यहाँ पे लाया जाता है तो उनको यहाँ पे इनकी तरफ से भोजन दिया जाता है और सुबह के टाइम में नाश्ता दलिया दूध और दलिया देते हैं और दोपहर को खाना सब्जी रोटी और जो भी कोई भी सब्जी वगैरह देते हैं। फिर शाम का खाना भी देते हैं उसमें भी रोटी सब्जी देते हैं। और इनके लिए जो अभी रुकने की व्यवस्था है तो यहाँ पे है जो अभी सोने के लिए है कोई भी वगैरह सब देते हैं ये लोग। अभी जो ये रोटी वगैरह तो देते हैं उनके साथ में यहाँ पे ये ठंडा वाला ये भी लगा हुआ है ये पानी के लिए महिला के लिए। सानेश्वर मानव सेवा समिति के नाम से हमने 2016 में गठन किया था जिसको आज 5 साल होने को आए हैं। यहाँ पर मरीजों को जहाँ अपन किसी का टच नहीं करेंगे मगर भोजन कैसा मिलता था वो देख करके हमें बड़ा प्लानिंग हुई कि ये खाना जो है मरीजों के लिए नहीं था वो उनका था अपना। फिर हमने चाय रखी कि अभी बाबा रामदेव सेवा समिति में जैसे एक महीना हम कैंप चलाते हैं तो यहाँ पर भी क्यों ना मरीजों के हित में कोई अच्छी व्यवस्था करें ये सोच करके हमने भोजनशाला चालू की जिसमें कलेक्टर साहब ने मैं धर्मशाला भी जबरदस्ती मदद दी जबकि मुझे सिर्फ भोजनशाला चलाने की इच्छा थी। यहाँ पर आने वाले हर मरीज को निःशुल्क खिचड़ी रोटी सब्जी दाल सुबह दूध और दलिया ये 3 टाइम हम यहाँ पर सेवा दे रहे हैं जिसमें काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं।